हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। आज हम 18th मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन जॉइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, राइजिंग प्राइस ड्राइव होलसेल इन्फ्लेशन टू रिकॉर्ड हाई ऑफ 15.1%। अब हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था सीपीआई इन्फ्लेशन यहाँ पर 7.78% का था और आज यहाँ पर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो है रिकॉर्ड हाई हो चुका है 15.1%। अब डिफरेंस क्या होता है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में, तो ये हम डिस्कस करेंगे। WPI, it measures the changes in the prices of goods sold and traded in bulk by wholesale businesses to other businesses. तो यहाँ पर जो WPI है वो inflation measure करता है at the producer level. WPI जो है publish किया जाता है by the Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. WPI का जो base year है वो है 2011-12. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पर इन्फ्लेशन को मेजर करता है एट द रिटेल लेवल। तो इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर और ये यहाँ पर रिलीज किया जाता है बाय द NSO. WPI पब्लिश किया जाता है बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लेकिन यहाँ पर जो CPI है वो रिलीज किया जाता है बाय द NSO. फोर टाइप्स ऑफ CPI होते हैं, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, CPI फॉर रूरल लेबर एंड द लास्ट वन इज CPI कंबाइंड। जो फर्स्ट थ्री हैं CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर एंड CPI फॉर रूरल लेबर, ये यहाँ पर कंपाइल किया जाता है बाय द लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड द लास्ट वन CPI कंबाइंड, ये यहाँ पर कंपाइल किया जाता है बाय द NSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। WPI इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है एट द प्रोड्यूसर लेवल, CPI इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है एट द कंज्यूमर लेवल। WPI सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है, CPI सर्विसेज को इंक्लूड करता है। WPI में ज़्यादा वेटेज दिया जाता है टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, CPI में ज़्यादा वेटेज दिया जाता है टू द फूड आइटम्स। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन की बात की गई है, कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो कोर WPI इन्फ्लेशन द नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल कंपोनेंट, तो कोर में फूड और फ्यूल को इंक्लूड नहीं किया जाता है, हेडलाइन में फूड और फ्यूल को इंक्लूड किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, इंडिया रिलैक्सेस वीट ऑर्डर अलाउज एक्सपोर्ट ऑफ शिपमेंट्स बुक्ड बिफोर मे 13 बैन। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने मे 13 को जब यहाँ पर ये ऑर्डर निकाल दिया था कि जो वीट एक्सपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पर प्रोहिबिटेड कैटेगरी में मूव किया जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर जो भी कंसाइनमेंट था वो स्टैंडर्ड हो गया था। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन की है और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मई 13 से पहले जो भी यहाँ पर ऑर्डर रजिस्टर हो चुका था कस्टम्स के साथ उसको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। तो विद वीट ट्रक्स एंड शिप्स स्ट्रैंडेड एट पोर्ट्स आफ्टर अ बैन ऑन वीट एक्सपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनाउंसिंग सम रिलैक्सेशन डिड द कंसाइनमेंट्स हैंडेड ओवर एंड रजिस्टर्ड विद कस्टम्स ऑन और प्रायर टू मे 13 उसको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा, तो दैट शेल अलाउ टू बी एक्सपोर्टेड। यहाँ पर बात की गई है उदयगिरी और सूरत की, तो INS उदयगिरी एंड INS सूरत। तो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स। तो उदयगिरी थर्ड वॉरशिप है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स की और सूरत यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है एंड फोर्थ ऑफ प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स एंड मेक ओवर ऑफ द प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर्स। तो सूरत है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और उदयगिरी थर्ड वॉरशिप है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स की और ये भी इंप्रूव्ड स्टेल्थ फीचर्स हैं, इसके अंदर भी एडवांस्ड वेपन्स हैं और ये दोनों ही यहाँ पर इंडिजीनियस वॉरशिप्स हैं। अब हम आगे चलते हैं, ईश्रम पोर्टल क्या है। ईश्रम पोर्टल जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का और ईश्रम पोर्टल जो है इसमें जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है वो यहाँ पर बेसिकली रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एक्सेसिबल हो सकें। तो ईश्रम पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मेंट टू रजिस्टर वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड हेल्प देम एक्सेस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो ईश्रम पोर्टल है उसको यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा विद द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो ईश्रम पोर्टल मैंने बजट एनालिसिस में भी डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। द मेन इशू इज़ टू इंश्योर जो यहाँ पर वर्कर की लोकेशन है वो हिंड्रेंस ना बने कि जिसकी वजह से उसको यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ईश्रम कार्ड होगा उसको उसके डेटा को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा विद द वन नेशन वन राशन कार्ड। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वॉज लेजिस्लेटेड बाई द पार्लियामेंट एट द हाइट ऑफ द राम जन्मभूमि मूवमेंट। तो एक्ट प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप
and seeks to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the 15th day of August 1947. तो 15 अगस्त 1947 को जिस place of worship का character जैसा था वो वैसा ही रहेगा और उसको यहाँ पर change नहीं किया जाएगा. तो it stated that the religious character of a place of worship shall continue to be the same as it existed. और इसमें एक exemption था और exemption यहाँ पर अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का केस था. अब नेक्स्ट आर्टिकल भी इसके ऊपर ही है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. वी आस्क द रॉन्ग क्वेश्चन. तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने कोर्ट को क्वेश्चन किया है. ये जो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इट मींस दैट सिंस वी रिजॉल्व टू बिकम अ मॉडर्न नेशन ऑन अगस्त 15, 1947. अभी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये 1991 का है, लेकिन इसमें जो डेट डिसाइड की गई वो 15 अगस्त 1947 की गई है. अब 15 अगस्त 1947 इसीलिए की गई है क्योंकि बेसिकली इसी दिन हम यहाँ पर अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. तो इट मींस दैट सिंस वी रिजॉल्व टू बिकम अ मॉडर्न नेशन ऑन अगस्त 15, 1947 एंड रियलाइज्ड इट ऑन जनवरी 26, 1950, कि जो बेसिकली जो पास्ट है हम उसके साथ अपने टाइस को कट कर रहे हैं और जो भी इनजस्टिसेस हुई हैं हम उसके लिए यहाँ पर बदला लेने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन से आगे चलने की कोशिश करेंगे. तो फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स इंडिया वॉज टू बी डिफाइंड बाई कोर्ट्स, वर टू बी जज कन्फ्लिक्ट्स यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ए मॉडर्न स्टेट एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और यहाँ पर जो कोर्ट्स जजमेंट देंगे वो किस बेसिस पे देंगे, मॉडर्न स्टेट की जो वैल्यूज होती हैं जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोर्ट एक्ट करेंगे, नॉट अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स और माइथोलॉजी डेट एग्जिस्टेड बिफोर. By conducting such investigations into religious sites, यहाँ पर ज्ञानवापी मॉस्क की बात की गई है, the courts have like they did in the case of the Babri Masjid legitimized the value of an anti-modern polity. तो यहाँ पर basically author का ये कहना है जो court है वो यहाँ पर anti-modern polity में enter कर रहे हैं जो कि यहाँ पर courts को नहीं करना चाहिए. courts जो हैं यहाँ पर mythology या medieval capture के basis पर act नहीं कर सकते हैं, they must leave buildings for what they are. तो जो हो चुका है वो हो चुका है, basically पीछे जाकर कुछ change करने की ज़रूरत नहीं है. तो बेसिकली यहाँ पर कोर्ट का जजमेंट ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए एंड डू नॉट डिफाइन द आर्किटेक्चर ऑफ टुडे बाय एन आर्बिट्रेली चूजन स्लाइस ऑफ इट्स हिस्ट्री. तो ये बेसिकली ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द इन्फ्लेशन स्पाइरल. ग्लोबल डेट इंक्रीज हुआ है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, डेफिसिट्स इंक्रीज हुए हैं. फिर यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात की गई, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है पब्लिश करता है IMF. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश करता है बाय द IMF. अपार्ट फ्रॉम द वॉर इन्फ्लेशन टुडे इज द इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिस्कल एंड मॉनिटरी एक्सपेंशन. जब यहाँ पर कोविड पैंडेमिक था तो उसके बाद मॉनिटरी पॉलिसीज को लूज किया गया, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फिस्कल एक्सपेंडिचर किया जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होना ही था. तो इन्फ्लेशन सिर्फ यहाँ पर रशिया यूक्रेन की वजह से नहीं आया, इन्फ्लेशन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस था क्योंकि पैंडेमिक के दौरान मॉनिटरी एक्सपेंशन किया गया, फिस्कल एक्सपेंशन किया गया. और IMF के डेटा से हमें यह पता चलता है इट वॉज अराउंड 15% ऑफ द GDP फॉर द एडवांस्ड इकोनॉमीज, वाइल इन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज एंड लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज इट वॉज अराउंड 6% एंड 2.5% रिस्पेक्टिवली. तो इतना ज़्यादा एडिशनल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू फोरगॉन को अगर हम यहाँ पर ऐड कर लें तो इतना ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया गया है बाई द गवर्नमेंट्स. तो ग्लोबली द टोटल सपोर्ट कंप्राइजिंग रेवेन्यू फोरगॉन एक्सपेंडिचर स्टिमुलस एंड लिक्विडिटी सपोर्ट जो है यहाँ पर एस्टिमेट किया जाता है टू बी $17,000 billion. अब बेसिकली यहाँ पर बहुत सारा लोन ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, तो अगर ये यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाता है तो उसकी वजह से जो यहाँ पर फिस्कल बैलेंस शीट है वो यहाँ पर वीकन हो जाएगी. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे लोन्स में गारंटी दी है और अगर वो यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाता है तो यहाँ पर जो NPAs है वो तो राइज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट की फिस्कल बैलेंस शीट है वो यहाँ पर वीकन हो जाएगी. इन द लास्ट फ्यू वीक्स जो यहाँ पर RBI है, RBI भी यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज कर रही है क्योंकि RBI को भी यहाँ पर इन्फ्लेशन से डील करना है. तो इन द लास्ट फ्यू वीक्स सेंट्रल बैंक्स इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स टू डील विद राइजिंग इन्फ्लेशन. तो उसके चलते यहाँ पर RBI ने अपने मॉनिटरी स्टांस में चेंज किया है और RBI ने यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी रखा है इन्फ्लेशन को मेंटेन करना. तो दैट सर्टेनली डज नॉट मीन दैट सेंट्रल बैंक्स हैव गिवन अप सपोर्टिंग ग्रोथ. तो यहाँ पर ग्रोथ को भी सपोर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रायोरिटी ये है कि इन्फ्लेशन को मैनेज करना है क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर जो लिमिट है उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है. द ग्रोथ ऑफ द सेंट्रल बैंक्स क्लेम्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड सम आइडिया ऑफ द एडिशनल इंक्रीज इन मनी सप्लाई ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑपरेशन ड्यूरिंग कोविड. तो कोविड के दौरान गवर्नमेंट ऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूज मॉनिटरी पॉलिसी की गई और मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है. इवन इफ नॉट अ प्रिसाइज एस्टिमेट द डेटा ऑन द क्लेम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीज इन मॉनिटरी सप्लाई ड्यू टू द सेंट्रल बैंक सपोर्ट टू द गवर्नमेंट. US इन द US इमीडिएटली आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2010 जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ने सपोर्ट प्रोवाइड किया था वो था 0.4%, और 2020 में पैंडेमिक के दौरान जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ने सपोर्ट प्रोवाइड किया था वो था 9%.
और यूके में भी लगभग 9% था, 10.5% इन ब्राज़ील, 6% इन चाइना. तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी जितना सपोर्ट प्रोवाइड किया गया उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक. थर्ड, बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल डेट स्टॉक इंक्रीज्ड शार्पली. इंडिया के लिए ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन बेसिकली यहाँ पर एडवांस कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. तो इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स पब्लिश बाय द IMF फॉर द 2022 शोज दैट एक्सटर्नल डेट स्टॉक टू द एक्सपोर्ट रेशियो फॉर 123 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इंक्रीज फ्रॉम 101% टू 123% इन 2020. लेकिन अगर हम इंडिया का डेटा देखें तो साउथ एशियन कंट्रीज में जो इंडिया का एक्सटर्नल डेट स्टॉक टू GDP रेशियो वो बेसिकली स्टेबल है अराउंड 20%. लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन को मैनेज करना ज़रूरी था तो रिडक्शन ऑफ डेट आप बाद में भी कर सकते हो लेकिन इन्फ्लेशन को अभी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सेंट्रल बैंक से वो यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज़ कर रही हैं, मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसको मैनेजेबल लिमिट्स में लाया जा सके. तो फॉर दिस कंट्रीज नीड टू चार्ट आउट अ फिस्कल नॉर्मलाइजेशन प्लान टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट अब्रप्ट एंड रिस्पॉन्सेज अ सीक्वेंस्ड इन अ मैनर, जिसकी वजह से इकॉनमी को ट्रैक पर भी लाया जा सके. आगे हम चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अमीनी भारत ये DU के ऊपर आर्टिकल है जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे. अर्बन हीट आइलैंड ये हम डिस्कस करेंगे. अब नासा का एक स्पेस थर्मोमीटर है इको स्ट्रेस. अब उससे ये पता चला है दिल्ली में कि अगर हम रूरल पॉकेट्स और अर्बन पॉकेट्स का अगर टेम्परेचर नाइट टाइम टेम्परेचर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लगभग 20% का डिफरेंस है. तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया. अब इसका क्या रीज़न है, अर्बन हीट आइलैंड्स क्यों डेवलप होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. तो अर्बन हीट आइलैंड्स, तो दिस इज़ अ लोकलाइज्ड एंड टेम्पररी फिनोमेना व्हेन सर्टेन पॉकेट्स एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर्स देन सराउंडिंग एरियाज. अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो यहाँ पर रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर ज़्यादा ग्रीन पैचेस होते हैं, कंक्रीट की ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पर कंक्रीट का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाती है. तो ऑल्सो सिटीज़ विद बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ग्लास एंड कंक्रीट ऑल डार्क कलर्ड मटीरियल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिसकी वजह से हमें ज़्यादा हीट कॉन्टेंट देखने को मिलता है. तो ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेचुरल वे ऑफ हीट रेगुलेशन दैट इन्वॉल्व्स रूट्स एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल बिफोर प्रोसेसिंग एंड रिलीजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. लेकिन ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है ये अर्बन एरियाज में इतना ज्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि अर्बन एरियाज में ग्रीन कवर की बहुत ज्यादा कमी है. तो एज अर्बन एरियाज लैक सफिशिएंट ग्रीन कवर हीट रेगुलेशन इज आइदर एब्सेंट और मैनमेड, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में एक अर्बन हीट आइलैंड टाइप का क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज. तो दिस डेटा सजेस्ट दैट सिटी डिवेलर्स आर एक्सपीरियंसिंग कंसिडरेबली हाई टेम्परेचर्स देन द एवरेज टेम्परेचर्स रिपोर्टेड फॉर देयर रीजन. अब कैसे हीट लोड को रिड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पर ग्रीन कवर को इंक्रीज करना पड़ेगा और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा. अगर आप ग्लास और कंक्रीट को ही यूज करोगे तो बेसिकली यहाँ पर ज्यादा हीट अब्जॉर्व करेगी और जिसकी वजह से हमें ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा. तब बुद्धिस्ट कनेक्शन ऑफ वाडनगर इन गुजरात, ये हम डिस्कस करेंगे. तो गुजरात आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक्सकवेशन शुरू करे थे वादनगर में इन 2006 और यहाँ पर दो साइट्स पे अभी एक्सकवेशन चल भी रहे हैं, वादनगर अंबाघाट एंड नियर अंबाजी कोठा लेक. तो अमंग दीज आर एलिप्टिकल स्ट्रक्चर, अब क्या क्या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, तो एक स्तूपा मिला है एंड अ स्क्वायर मेमोरियल स्तूपा मिला है. बोल्स यूज बाई बुद्धिस्ट मंक्स हैव बीन फाउंड अलॉन्ग विद टेराकोटा सीलिंग्स, जिसमें नमस् सर्वज्ञ सैल्यूटेशंस टू द बुद्धा इंस्क्राइब्ड है. इसके अलावा एक फेस ये पेंडेंट मिला है जिसमें त्रितत्व है, त्रितत्व का सिंबल है, ट्रिपल प्रिंसिपल का सिंबल है. फिर यहाँ पर 6 स्तूपाज और भी मिले हैं नियर द तारण धरण माता श्राइन. वादनगर इज मैंशनड ऑफन इन द ह्यून सांग, तो यहाँ पर जो ह्यून सांग यहाँ पर चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आए थे तो वहाँ पर उन्होंने अपने ट्रैवल लॉग में वाडनगर की बात की गई है. तो उस समय वाडनगर को रेफर किया जाता था एज चामत्कारपुर, आनंदपुर, स्नेहपुर एंड विमलपुर एट वेरियस टाइम्स इन द पास्ट. तो जिसकी वजह से बुद्धिस्ट कनेक्शन जो है वाडनगर इन गुजरात में भी है. तो यहाँ पर हमने कुछ डिस्कस कर लिया, फॉर एग्जांपल स्तूपा मिला है. फिर यहाँ पर बात की गई है कि सीलिंग्स मिली है जिसमें नमस् सर्वज्ञ की बात की गई है, तो इंस्क्राइब्ड विद नमस् सर्वज्ञ सैल्यूटेशंस टू द बुद्धा. एक फेस शेप पेंडेंट मिला है जिसमें त्रितत्व का सिंबल है, ट्रिपल प्रिंसिपल का. और यहाँ पर ह्यून सांग ने अपने ट्रैवल लॉग में वाडनगर का मेंशन किया है. ये जो वेयर कोल ब्लॉक्स केसेस स्टैंड, तो यहाँ पर जो कोल स्कैम है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं तो आपको ये ना लगे कि यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. तो व्हाट द कोल ब्लॉक्स केसेस आर अबाउट, तो 1990s में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को कोल ब्लॉक को एलोकेट कर देगी. तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एलोकेट टू प्राइवेट कंपनीज कोल ब्लॉक्स दैट वर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्लान ऑफ द पब्लिक सेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड. तो यहाँ पर जो कोल इंडिया लिमिटेड के प्रोडक्शन प्लान में नहीं था, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये जो कोल ब्लॉक्स हैं ये यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को एलोकेट कर दिया जाएगा.
एट दैट टाइम देयर वर नो कंक्रीट गाइडलाइंस. तो उस समय कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन कैसा हो उसके बारे में कोई भी गाइडलाइंस नहीं थी, और कोल माइनिंग बेसिकली यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड थी टू PSUs एंड मेनी ज्योग्राफिक लोकेशंस वर सीन एज अनसुटेबल फॉर प्रॉफिटेबल माइनिंग. फिर 1993 से 2005 में लगभग 70 कोल माइंस को एलोकेट किया गया. फिर उसके बाद यहाँ पर 146 कोल ब्लॉक्स को एलोकेट किया गया था. मार्च 2012 में CAG के एक लीक ड्राफ्ट रिपोर्ट से ये पता चला कि यहाँ पर जो कोल ब्लॉक का एलोकेशन हुआ उसमें बहुत ज़्यादा इररेगुलरिटीज थी, जिसकी वजह से यहाँ पर 10.76 लाख करोड़ का एक्सचेकर को नुकसान हुआ. CAG ने ये भी आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी थी कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन है उसको कैसे कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके बाद भी कुछ नहीं किया, और गवर्नमेंट ये चाहती रही कि जो एलॉटीज हैं उनको यहाँ पर विंडफॉल गेन हो जाए. तो CAG आर्ग्यूड दैट द गवर्नमेंट हैड द अथॉरिटी टू ऑक्शन द कोल ब्लॉक्स बट चूज नॉट टू एंड एलॉटीज एज रिसीव्ड एज विंडफॉल गेन. फिर यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी जिसने यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट की, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस है उसको यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया CBI टू डायरेक्टली रिपोर्ट टू इट. और बेसिकली अब इस केस में ही जो भी नए फाइंडिंग्स आ रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कशन होगा. तो आई होप आपको समझ आ गया हो. इंडिया टॉप्ड एयर पोल्यूशन डेथ टोल इन 2019. तो लैंसेट की प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट से ये पता चला है कि एयर पोल्यूशन से जो डेथ हुई है 16.7 लाख डेथ्स इंडिया में हुई हैं 2019, और 7.8% ऑफ ऑल डेथ्स इन द कंट्री दैट ईयर. जो मेजॉरिटी ऑफ द 16.7 लाख एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स हैं वो मेनली यहाँ पर PM2.5 पोल्यूशन की वजह से हुई है. जो WHO का यहाँ पर PM2.5 का स्टैंडर्ड है, इंडिया में वो स्टैंडर्ड कहीं भी मैच ही नहीं होता है. तो WHO हैज सब्सटेंशली टाइटेंड इट्स हेल्थ बेस्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, लोअरिंग द गाइडलाइन वैल्यू फॉर PM2.5 फ्रॉम 10 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर टू 5, और हार्डली कोई ऐसा प्लेस मिलेगा जहाँ पर इस लेवल को मैच करता हो. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो एयर पोल्यूशन है सबसे ज़्यादा सीवियर कहाँ पर है, इंडो गैंजेटिक प्लेन में. और रीज़न क्या है इतना ज़्यादा पोल्यूशन होने का, तो बर्निंग ऑफ बायोमास. सेकेंड रीज़न है यहाँ पर कोल कंबशन, एंड द थर्ड रीज़न इज़ क्रॉप बर्निंग. तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रोग्राम, उसके बाद भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. इंडिया ने डेवलप किया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसके बाद 2019 में लॉन्च किया गया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है. फिर दूसरी यहाँ पर बात की गई है लेड पोल्यूशन की. तो पहले जो लेड पोल्यूशन होता था वो बेसिकली यहाँ पर लेडेड पेट्रोल से होता था, लेकिन लेडेड पेट्रोल को पूरी तरीके से अब रिप्लेस कर दिया गया है विद अनलेडेड पेट्रोल. तो बेसिकली लेड एक्सपोजर किसकी वजह से होता है, तो लेड एसिड बैटरीज की वजह से, ई वेस्ट कि यहाँ पर सही से रिसाइकलिंग नहीं होती है, पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें लेड पोल्यूशन देखने की वजह से भी यहाँ पर डेथ्स देखने को मिलती हैं ड्यू टू लेड पोल्यूशन. वर्ल्ड पेज पर हम डिस्कस करेंगे जो मेरियोपोल वो यहाँ पर फॉल हो चुका है. यहाँ पर यूक्रेन के फोर्सेज ने सरेंडर कर दिया है मेरियोपोल में, और यहाँ पर जो रशिया है रशिया ने मेरियोपोल को कैप्चर कर लिया है. तो मोर देन 250 यूक्रेनियन फाइटर्स सरेंडर टू रशियन फोर्सेज एट द एजोवस्टोल स्टील वर्क्स, और ये मेरियोपोल में लोकेटेड है. तो यहाँ पर मेरियोपोल का रशिया को फुल कंट्रोल मिल चुका है. स्वीडन फिनलैंड पुश फॉरवर्ड विद नेटो बिट्स एस टर्की ऑब्जेक्ट्स. अब यहाँ पर नेटो में 30 कंट्रीज है, स्वीडन और फिनलैंड यहाँ पर बात कर रहे हैं नेटो को ज्वाइन करने की, लेकिन टर्की ने इसको ऑब्जेक्ट किया. टर्की ने क्यों ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि टर्की में कुर्दिश मिलिटेंट्स रहते हैं जो कि चाहते हैं कि एक कुर्दिस्तान बने. अब यहाँ पर जो कुर्दिश मिलिटेंट्स है वो बेसिकली यहाँ पर स्वीडन या फिनलैंड में सेफ हेवन को ढूंढते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टर्की ये कहता है कि ये लोग कुर्दिश मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर नेटो में नहीं ज्वाइन होने देना चाहिए. तो स्वीडन एंड फिनलैंड ऑन ट्यूजडे पुश्ड अहेड विद देयर बिड्स टू ज्वाइन नेटो, लेकिन यहाँ पर जो टर्की है टर्की का ये कहना है कि ये जो फिनलैंड और स्वीडन है ये यहाँ पर कुर्दिश मिलिटेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो टर्की है वो यहाँ पर इनकी बिड को नेटो को ज्वाइन करने की बिड को ब्लॉक करना चाहता है. अब नेटो में कोई भी नया मेंबर जुड़ता है तो बेसिकली यहाँ पर कंसेंसस से जुड़ता है, तो कोई भी यहाँ पर जो कंट्री अगर ब्लॉक करेगा तो ऐसे में जुड़ना मुश्किल हो जाएगा. अब हम आगे चलते हैं. कांस में इस बार इंडिया जो है कंट्री ऑफ ऑनर है. तो इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ ऑनर. कांस में बेसिकली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, और कांस यहाँ पर फ्रांस में लोकेटेड है. आगे हम चलते हैं. ग्लोबल हेडविंड्स पोज चैलेंजेस, इन्फ्लेशन रिस्क मोर एक्सेंचुएटेड. अब RBI की एक रिपोर्ट निकलती है जो कि स्टेट ऑफ द इकॉनमी रिपोर्ट. अब स्टेट ऑफ द इकॉनमी रिपोर्ट में RBI का क्या कहना है, तो RBI का ये कहना है कि इन्फ्लेशन की वजह से मोमेंटम जो है यहाँ पर थ्वार्ट हो गया, रिकवरी मोमेंटम यहाँ पर थ्वार्ट हो गया, इन्फ्लेशन रिस्क और ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन फिर भी इंडियन इकॉनमी जो है रेजिलियंट है. जो यहाँ पर हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन वो 7.8% पर पहुंच चुका है, और यहाँ पर WPI हमने डिस्कस किया था 15% पर पहुंच चुका है, लेकिन RBI का ये कहना है जो इंडियन इकॉनमी है वो अभी भी रेजिलिएंट है. और RBI निकालता है स्टेट ऑफ द इकॉनमी रिपोर्ट, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि RBI यहां पर स्टेट ऑफ द इकॉनमी रिपोर्ट निकालता है. ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब ये है
कि कोई भी यहाँ पर कभी भी अप्लाई कर सकता है, उसके लिए आरबीआई नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा। तो बेसिकली आरबीआई ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा कि अभी यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकते हैं, यूनिवर्सल बैंक रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकते हैं। ऑन टाइम लाइसेंसिंग का मतलब यह है कि जिसका जब मन है वो यहाँ पर आ सकता है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।